समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण को नाम रे प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर आपण मानक समस्त आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधुगण, ईश्वर आपण मानकर सहाय होंतु। आपण मानक परिवार को, आपण मानक गां, आपण मानक संपर्क और पड़ोसी मानक ईश्वर सहवर्ती रहंतु। आ दुर्दशा काल रे ईश्वर से मानक सुरक्षा प्रदान करंतु। प्रिय बंधुगण, आज आम प्रार्थना विषय शिखिबा। आम ईश्वर संतान होथिबारो प्रार्थना होछि मुख्य विषय। जदि आमानकर प्रार्थना नाही, आम जीवन रे आमे प्रार्थना करि पारुन हौ, ताहले आमर जीवन वृद्ध अटे। प्रार्थना द्वारा आम विजय प्राप्त हेबा, प्रार्थना द्वारा आमे फलप्रद हेबा, प्रार्थना द्वारा आमे सफलता पाइबा। प्रिय बंधुगण, आसंतु आज हम माने प्रार्थना कोन से विषय रे हम माने अध्ययन करिबा। प्रार्थना आम पिता ईश्वर और प्रभु यीशु कृष्ण को सहित व्यक्तिगत घनिष्ठ संपर्क अटे। प्रार्थना पिता ईश्वर को सहित जोगाजोग पाई एक मार्ग अटे। प्रार्थना पिता ईश्वर को सहित सहभागिता करिया पाई एक द्वार अटे। प्रार्थना पिता ईश्वर को धन्यवाद, गौरव और प्रशंसा करिया पाई उपासनार एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। प्रार्थना हेउची ईश्वर एवं मनुष्य मध्य द्विपाक्षिक वार्तालाप। प्रार्थना ईश्वर सहित मनुष्य आत्मार कथोपकथन। प्रार्थना पाई चारि भाग विशिष्ट हेबा दरकार। जते आमे प्रार्थना करू से प्रार्थना रे चारि भाग रहिबा आवश्यकता। नंबर 1 बा प्रथम भाग प्रशंसा। ईश्वर को प्रशंसा और आराधना करवा एवं पूर्ण हृदय रे ताकू धन्यवाद दे, प्रशंसा करू एवं सम्मान दे। आबे माने ईश्वर को तांकर महानता, उत्तमता, प्रेम, अनुग्रह, दया, विश्वस्तता इत्यादि निमते प्रशंसा करू। जतेबे आमे प्रार्थना करू प्रथम भाग प्रशंसा हेबा आवश्यक अटे। गीत संहिता 95:6 पदरे पर लिखाइछि, आहे आस उबुडो हुई प्रणाम करू, आमानक सृष्टिकर्ता सदा प्रभु को छमुरे आंटू पातू। नंबर 2 पाप स्वीकार। बध पाउथिबा प्रत्येक पाप, अपराध, भूल निमते अनुताप करंतु। आमे करथिबा अपराध, पाप बा भूल त्रुटि निमते आमे कोन करबा आवश्यक। आमे माने ईश्वर को क्षमा मांगीबा आवश्यक बा पाप स्वीकार करबा आवश्यक अटे। गीत संहिता 32:5 पदरे एपर लिखाई छि, मु तुम निकट रे अपना पाप स्वीकार कली व अपना अधर्म लुचाइली नाही। मु कहली मु सदाप्रभु को निकट रे अपना अपराध स्वीकार करिबी, तोहेरे तुमे मोर अधर्म क्षमा कलो। पुरातन नियम रे पाप क्षमा पाया पाई लोक माने पाप क्षमा मागुतिले बा पाप को स्वीकार करथिले, किंतु नूतन नियम रे ए अनुग्रह जुग रे आमे माने यीशु कृष्ण के द्वारा पाप क्षमा पायछु। सेति पाई जदी आम जीवन रे त्रुटि होए बा पाप होए बा अपराध होए, सेति पाई आमे माने कोन करबा पाप स्वीकार करबा आवश्यक अटे। नंबर 3 धन्यवाद देबा। तृतीय भाग होछि धन्यवाद देबा। आम्भे माने ईश्वर संतान संतति अटु। आम्भे माने ईश्वर ठारू प्रचुर आशीर्वाद पायछु, सेति पाई ईश्वर को धन्यवाद देबा। ईश्वर आमनक आशीर्वाद करछन्ति, ईश्वर आमनक पुनर्जन्म दैछन्ति, सेति पाई आमने कोन करबा ईश्वरंकर उपकारता निमते धन्यवाद देबा। आसंतु आम्भे माने गुटे बाइबल पद देखिबा। फिलिपियो 4:6 पद, कोनसी विषय रे चिंतित हो नाही, किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुमानक निवेदन सब ईश्वर को निकट रे जणाओ। एठरे पावलो कहउछन्ति चिंतित नहि, समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुमानक निवेदन सब ईश्वर को निकट रे जणाओ। तो हम माने कोन करबा ईश्वर को धन्यवाद देबा। आ गोटे बाइबल पद माने देखिबा एफिसियो 5:20 पद, सर्वदा सर्व विषय निमते आम मानक प्रभु यीशु कृष्णक नाम रे पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो। सब विषय आम माने कोन करबा ईश्वर को धन्यवाद देबा। आ आपण माने प्रथम थिस्सलुनीके 5:17-18 भी पढ़ी पारंते। चार नंबर हूँ अनुरोध। आमे माने व्यक्तिगत अनुरोध ईश्वर को निकट को आनिबा ओ अन्य लोक मानकर निवेदन मध्य ईश्वर को निकट को आनिबा। आमे निज पाई प्रार्थना कर ओ अन्य लोक मानक निमन्ते मध्य प्रार्थना कर। आम देश आम देशवासी एवं आमर अधिकार लोक मानक निमन्ते मध्य आमे प्रार्थना करिबा। ए ईश्वर को इच्छा अटे। आसंतु आम माने प्रथम थिमोथी अध्याय 2:1 और 2 पद को पढ़ा। आम्भे माने जेपरी सर्वत भावे ईश्वर परायणता ओ भद्रता सह शांति और निर्विघ्नता रे जीवन यापन करि पारु एति निमन्ते सर्वसाधारण लोकमानक पाई राजा और शासनकर्ता समस्त पाई निवेदन प्रार्थना विनती और धन्यवाद उत्सर्ग करबा निमन्ते मु सर्वप्रथम अनुरोध करूछि। तो प्रिय बंधुगण, आज आम देखिलु प्रार्थना विषय। प्रार्थना कौन अटे एवं प्रार्थनार आम चार भाग देखिलु। जतबे आम प्रार्थना करूचु तो आम प्रार्थना रे एई चारोटी विषय रहिबा आवश्यक अटे। प्रथम भाग प्रशंसा, द्वितीय भाग पाप स्वीकार, तृतीय भाग धन्यवाद एवं चतुर्थ रे अनुरोध। जतबे प्रिय बंधुगण, एई दुर्दिन समय रे एई जुगांत समय रे आमे जति की प्रार्थना करिबा सेतिके आमे शक्ति प्राप्त होगा, सेतिके आमने ईश्वर ठारू सामर्थ्य पाइबा एवं आमर प्रार्थना लोक मानक निमते फलप्रद हेबो और लोक माने आमनकर प्रार्थना द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। मु विश्वास करे आज रे अध्ययन द्वारा आपण माने आशीर्वाद प्राप्त होइछंती। सेति पय आज रे अध्ययन द्वारा ईश्वर आपण मानकु आशीर्वाद करंतु।